दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी में। शुक्रवार की रात एक लौंग इस जगह रख दें, करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनोगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान हैं किंतु बेहद लाभकारी उपाय हैं। इन उपायों को यदि आप शुक्रवार के दिन यानी कि आज के दिन दो चार मिनट निकाल कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको खुशहाल और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस कार्य को भी जीवन में करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता। लौंग को बहुत ही सी पूजा पाठ के प्रयोग में किया जाता है। पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग ना किया जाए तो उन पूजा पाठ को पूर्ण रूप से संपन्न नहीं माना जाता। दोस्तों जहाँ पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष उपायों में भी लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है। बहुत से लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं तो वह आपको ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय भी व्यर्थ होता है। लेकिन आप अगर आज हमारे इस वीडियो में यानी कि लास्ट तक अंत तक अगर देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों यकीन मानिए सचमुच 100% आपके जीवन की अच्छी से अच्छी समस्या जो सिर्फ एक लौंग से खत्म हो जाएगी यानी कि आधी से अधूरी यानी जितनी भी बड़ी समस्या हो कोई भी हो समाप्त हो जाएगी। कोई भी पूजा पाठ उसमें लौंग का प्रयोग अवश्य ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली औषधि है जिसे देवी देवताओं की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाता हो तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं माने जाते। माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ जो होती है उसमें लौंग का उपयोग ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। हमारे हिंदू धर्म में लौंग का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। लौंग जहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है, दूसरी तरफ बताया गया कि पूजा में लौंग का उपाय किया जाए तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में तंत्र शास्त्र में लौंग को उत्तम स्थल पर रखा गया है, उत्तम स्थान पर रखा गया है। टोने टोटके जो होते हैं इसमें लौंग का जो प्रयोग होता है उपयोग होता है ताकि पूजा सिद्ध हो जाए। आप इस वीडियो में उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं आज हम आपको, जिन उपायों को करके न केवल आप अपने जीवन के हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि लौंग के सरल से उपाय करने के बाद आपके जीवन के आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कैसे आपको सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों हिंदू धर्म में लौंग का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर आप माता लक्ष्मी के सामने किया कर लें तो माता लक्ष्मी की तुरंत आपको आशीर्वाद और वरदान मिल जाता है। जैसा हम आपको इस वीडियो में शुरू में ही बता चुके हैं कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का उपयोग न किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो लौंग से आपको करनी है। लौंग में लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कैसे चमत्कारिक और असरदार बदलाव आएंगे। आप अपने जीवन में कैसी भी परेशानी से घिरे हुए हैं, आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके हैं, किसी बीमारी ने जकड़ लिया है, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, आपके घर में बरकत रुक गई है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप पैसे की तंगी से बहुत परेशान हैं, जूझ रहे हैं, अगर कैसी भी परेशानी हो, उधार कर्जा कोई लिया दे नहीं रहा, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई है, कलह क्लेश है, भाई बहनों में पति पत्नी में द्वेष क्लेश बना है, तो दोस्तों बस इस वीडियो को बिना भगाए बिना स्किप किए लास्ट तक अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद आपको पता चलेगा कि लौंग का प्रयोग करके कैसे आप अपने जीवन में हर मनोकामना को पूरी करेंगे। जैसे आप नौकरी चाहते हैं तो नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को खरीदना चाहते हैं तो वह आपकी संपत्ति आपकी हो जाएगी, किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। लौंग का प्रयोग करके आप करोड़पति धन से मालामाल भी बन सकते हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान भी आपको मिलेगा जिसके बाद आप धन चारों दिशाओं से खींचा चलाएगा धन आपके पास। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और आप पर वरदान मिला रहे, आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी
आपके घर पर वास करने आए तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिएगा जय माता लक्ष्मी जी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक देखेगा और जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं उन उपायों को किस मुहूर्त में करना है इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आप यानी कि इन उपायों का लाभ आपको अवश्य मिले। दोस्तों, जब हम लौंग के उपाय करते हैं तो नियमों का पालन करना है। नियमों के पालन के बिना कोई भी उपाय करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है ये बात आपको ज़रा समझ लीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि माता लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर सबसे पहले बने। जो व्यक्ति इस वीडियो को शेयर करेगा माता लक्ष्मी जी खुद चलकर उसके घर में धन से उसका घर भर देंगी। यकीन मानिए, यकीन अगर मानना है तो 24 घंटे के अंदर आप एक बार करके देख लीजिएगा। सबसे पहला उपाय, धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया, धन आ ही नहीं रहा, आप इन चीज़ों को लेकर बहुत ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और यानी कि टिके भी, आए भी, टिके भी, वृद्धि भी हो धन में, तो क्या करना होगा? तो एक बड़ा ही सरल सा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज का ये उपाय नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय से ये महा उपाय चला रहा है। आपको बस एक काम करना है, एक डिब्बा लेनी है, उसमें आधा नमक भर लीजिए, छोटी सी डिब्बी लीजिएगा। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। आपको शुक्रवार की शाम माता लक्ष्मी जी के सामने बैठ जाइए, यानी कि फोटो मूर्ति जो भी है वहाँ पर बैठ जाइए। सूर्यास्त के बाद नहाने धोने के बाद बैठिए, एक घी का दीपक जला लीजिए और एक लाल कपड़ा रखिए। इस कपड़े के ऊपर इस डिब्बे को रख दीजिए जो नमक वाला डिब्बा है। फिर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र बोलिए, ओम श्री श्रीम नमः, ओम श्रीम श्रीम नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1000 बार करिए। और आपको क्या करना है कि इस डिब्बे में एक फूल वाली लौंग डाल देनी है, फिर इस लाल कपड़े में बांध लेनी है और अपने तिजोरी में आलमारी पे जहाँ पैसा रुपया लेन देन करते हैं वहाँ पर रख देना है। अगले शुक्रवार को फिर से इस डिब्बे को निकालकर 2 लौंग मंत्र पढ़ने के बाद रख दीजिए। 5 शुक्रवार के बाद डिब्बे में 10 लौंग हो जाएगी और इस डिब्बे को अपने आलमारी में तिजोरी में रखते रहने दीजिएगा जहाँ से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए, यह जो उपाय आप लोग करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से जो परेशानी है मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में धन पैसा आना जो बंद था वो शुरू हो जाएगा, यानी कि एक बार फिर से पैसा टिकेगा रुकेगा भी और बहुत तेज़ी से आप जीवन में वृद्धि करेंगे, ग्रोथ करेंगे, फिर कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। यह उपाय ऐसा उपाय है जिसे करने से साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा उपाय, घर की बरकत का महा उपाय। अगर आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होते हैं, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, तो आपको क्या करना चाहिए, उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी लेनी है, पीतल की कटोरी के पात्र लेने के बाद पीतल की मिट्टी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लौंग 3 कपूर और 2 इलायची ले लीजिए और इसको आप जला दीजिए और इसका धुआं पूरे घर में दिखला दीजिए। जलने के बाद राख जो होगी बचेगी, राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग इसे क्या करें कि यानी कि 1 सप्ताह लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के बाद इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकालकर अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे रख दीजिए, थोड़ी सी पानी मिलाकर डाल दीजिए। अगर यह उपाय लगातार 7 दिन तक करते हैं आप, तो घर में जो नकारात्मक शक्ति है, बुरी शक्ति है, वो दूर हो जाएगी। अगला उपाय, अगर पत्नी में प्रेम नहीं है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो एक उपाय करें, शुक्रवार के दिन से माता लक्ष्मी को 2 लौंग अर्पित करना शुरू कर दीजिए। यानी कि आपको शुक्रवार के दिन 2 लौंग अर्पित करना है और अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले पत्नी दोनों 1-1 लौंग खा लें तो पत्नी में प्रेम बढ़ता है, यानी कि आपस में प्रेम बढ़ने लगता है। अगला उपाय दोस्तों, अगर आपके घर आप चाहते हैं कि नौकरी, बिजनेस, व्यापार तरक्की करें और रातों रात आप करोड़पति बन जाएं, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों से खेलें, अरबपति बन जाएं आप, तो क्या करना है, एक उपाय करें, आप माता लक्ष्मी को आप लौंग अर्पित करें। कम से कम 111, 121 या फिर 108 लौंग ले लीजिए और आप माता लक्ष्मी को एक लाल कपड़े में बांध कर इसको अर्पित कर दीजिएगा और दीपक जला दीजिएगा, दीपक से 11 बार उल्टे बार के, और इसे यानी कि लौंग से बंधी पोटली को आप माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप इसे पूजा स्थान पर ही रहने दीजिएगा। यकीन मानिए, इतना धन बरसेगा जीवन में कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करें, आपके घर में रुके और टिके भी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक बार। धन्यवाद।